Hi, this is Krishbu with the first question of triangles. This is question number 1, exercise 6.2 and page number 128 of your NCERT book. This says, if DE is parallel to BC, इस फिगर में हमारे को DE BC के पैरेलल दिया हुआ है, तो कह रहा है find EC, हमें ये EC find करना है। तो जैसे कि मैंने आपको BPG डायग्राम में समझाया था, अगर लाइंस पैरेलल होती हैं, तो उनका जो रेशियो होता है, वो सिमिलर हो जाता है। So, हमें गिवन है कि ये जो रेशियो है, ये DE, ये इसके पैरेलल है। अब अगर ये लाइन पैरेलल है, that means ये AD अपॉन में BD और ये AE अपॉन में EC, ये रेशियो सिमिलर होना चाहिए। सो हम लिखेंगे as DE parallel to BC, therefore by, आप लिख सकते हो by basic proportionality theorem, by BPT या फिर by Thales theorem, इसको हम Thales theorem भी कहते हैं। सो हम लिख सकते हैं by Thales theorem AD upon DD is equals to AE upon EC. AD upon DE is equal to AE upon EC. That means ये वाली चीज upon में ये वाली चीज is equal to ये वाली चीज upon this thing. So AD का value हमारे को दिया हुआ है 1.5 सेंटीमीटर्स में, DB का value हमारे पास है 3 DB सेंटीमीटर्स में, AE का value है 1 सेंटीमीटर, हमें निकालना है EC. So, हम 3 को इधर ले जाएंगे और इसको इधर ले आएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सो ये बना 1.5 इंटू ई सी इज इक्वल टू 1 इंटू 3. सो ई सी इंटू 1.5 इज इक्वल टू 3. 1.5 नीचे आ जाएगा तो ई सी इज इक्वल टू 3 अपॉन 1.5. सो डेसिमल रिमूव किया इंटू 10, 15 वन्स आ, ये ऊपर आ गया 30, तो ये पूरा कैंसिल होकर हमारे पास आएगा 2. सो दिस इज 2. तो हमारे पास EC का वैल्यू आ गया है 2 सेंटीमीटर. सो दिस इज द आंसर. और आपको ये चीज का ध्यान रखना है, अगर इन केस हमारे पास कोई वैल्यू सेंटीमीटर में है कोई मीटर में है, तो आपको सब वैल्यूज को पहले इक्वल करना है, उनका यूनिट सेम करना है, फिर उसको फाइंड करना है. तो जब भी आपको पैरेलल दिया है, तो हम उसका रेशियो ले सकते हैं. अगर ये लाइन इसके पैरेलल था, तो ये AD अपॉन DD इक्वल्स टू AE अपॉन EC. So this was first question, first part, exercise 6.2 of NCERT. In case you have any doubts, please do write to us and do subscribe us. And do watch the next video for some more questions on triangles. Goodbye.